नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के चांदपुर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता एसपी गुप्ता की खास रिपोर्ट। चांदपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने एक स्वीट सेंटर पर छापेमारी करते हुए मिठाइयों के सैंपल भरे, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, चांदपुर नगर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब जिले से आए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मंडी कोटला स्थित एक स्वीट सेंटर पर छापा मारा, दुकान से मिठाइयों के सैंपल ले लिए। जैसे ही यह बात व्यापारियों को पता चली तो व्यापारी स्वीट सेंटर पर पहुंचे और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों से नोकझोंक करने लगे। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि विभाग को 200 से अधिक सैंपल भरने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें चांदपुर तहसील से लगभग 3 दर्जन सैंपल भरे जाएंगे। विभाग पहली बार सैंपल भरकर व्यापारियों को चेतावनी देंगे कि वह अपनी क्वालिटी में सुधार करें। दूसरी बार सैंपल भरने के बाद अगर सैंपल फेल हुआ तो उस व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इकट्ठा हुए व्यापारी जब स्वीट सेंटर पर सैंपल भरने का विरोध कर रहे थे, तभी भाजपा नेता विकास गुप्ता और फिरौकी ने वहां पर पहुंचकर व्यापारियों को समझाया और मामले को शांत किया। सैंपल भरने वाली टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव कुमार, राजीव कुमार, अनुपम कुमार, रेणु रानी, शंभुदयाल आदि शामिल रहे। लखनऊ से हमारे प्रमुख सचिव साहब ने पूरी यूपी के लिए आदेश जारी किया है, मार्केट से हर मार्केट से सर्वे नमूने होने हैं, ठीक है, सर्वे सैंपल। हमें प्रोडक्ट की जांच ये करानी है कि ये प्रोडक्ट खराब है कि नहीं है, ताकि उस प्रोडक्ट को हटाया जाए। इन नमूनों पे ऐसी कोई विधिक कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इतने टेंशन क्यों ले रहे हैं? अब जो इन्होंने नमूने लूटे हैं, वो लूट का मुकदमा इन पे लगेगा, फिर अगर नहीं देते हैं तो वापस नया दिलवाए। वो सरकारी संपत्ति बन गई है, सरकारी संपत्ति इन्होंने लूटी है, उसका मुकदमा इनके खिलाफ लिखा जाएगा अगर ये वापस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।